हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ द स्टेट्स वर टू बी फॉर्म्ड, स्टेट्स को कैसे बनाना था। अब ये क्वेश्चन जो है क्या जरूरी क्वेश्चन था, क्योंकि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद वो ऑलरेडी दो हिस्सों में बट चुकी थी। गांधी जी जो स्टार्टिंग से ही यूनिटी की बात कर रहे थे नेशन की, अब वही नेशन जो था दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका था, एक पाकिस्तान तो एक इंडिया। अब जब हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो जितने भी कांग्रेस लीडर्स थे उस टाइम पर और जितने अदर पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो सभी लोग कहीं ना कहीं चाह नहीं रहे थे कि इंडिया जो है वो फर्दर डिवाइड हो। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि इंडिया को डिवाइड होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्ट्स। अब यहाँ पर लिंग्विस्ट की हम बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज की बात आती है, और इंडिया का डिविजन जो है जो लोग चाह रहे थे वो चाह रहे थे लैंग्वेज के बिहाफ पर हो। फॉर एग्जाम्पल असम में असामीज बोली जाती थी तो असामीज के बिहाफ पर एक, तेलुगु के बिहाफ पर एक, मद्रास के बिहाफ पर एक। अब ये सब जो थे एक स्टेट्स जो बनाने की बात कर रहे थे, ऐसे ही और भी ग्रुप्स उभर रहे थे। अब क्या उस टाइम पे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन लोगों ने सपोर्ट किया हुआ इस चीज को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सी स्टेट्स जो है वो उसके बाद भी बनी। वो कैसे बनी वो हम लोग अब देखेंगे, लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है जब लैंग्वेज इतना बड़ा रोल प्ले कर रही थी तो उससे पहले ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की कौन सी बनी, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स गए तो इंग्लिश जो है वो उनकी दी हुई लैंग्वेज थी। अब जब ब्रिटिशर्स ही जा रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज का इंडिया में क्या काम। लेकिन इंग्लिश को बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे थे, और यदि इस बात में हम बात करें कि भाई इंग्लिश को चले जाना चाहिए था तो उस हिसाब से हिंदी हमारी जो है वो नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जब बात हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज घोषित करने की आई तो बहुत से लोग जो कि साउथ के थे वो कंफर्टेबल नहीं थे हिंदी बोलने के, और इसीलिए उन्होंने इस बात को रजामंदी नहीं दी। अब उससे हुआ ये कि हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज तो बनी, लेकिन इंग्लिश का यूज जो है वो मोस्टली ऑफिस के कामकाज में यूज होने लगा था, स्पेशली इन द कोर्ट्स। और यदि स्टेट को सेंटर से बात करनी है और उसमें जो भी लैंग्वेज यूज होगी वो इंग्लिश ही होगी, और इस तरीके से दो लैंग्वेजेस इंडिया में प्रिवेल करना शुरू हुई और इस तरीके से लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बढ़ना शुरू हुआ। अब हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे किस तरीके से इंडिया का जो है डिविजन फर्दर स्टेट्स में होना शुरू हुआ। अब उस बारे में बात करने से पहले हमारे सामने कुछ ऐसे पॉलिटिकल फिगर्स भी आएंगी जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब इन फिगर्स के, इन पॉलिटिकल फिगर्स के, इन पॉलिटिकल इंडिविजुअल्स के जो नेम है वो इंक्लूड करते हैं उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद द नेक्स्ट नेम इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड अनदर नेम दैट वी विल डिस्कस इज पॉटिसियामुलू। अब हम लोग बिना किसी देरी के आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से इंडिया का डिवीजन होना शुरू हुआ। बोथ प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। आफ्टर द पार्टीशन नेहरू सेड डिसरप्शनिस्ट टेंडेंसीज हैड कम टू द फोर, टू चेक देम द नेशन हैड टू बी स्ट्रांग एंड यूनाइटेड। और सरदार पटेल पुट इट एज द फर्स्ट एंड द लास्ट नीड ऑफ इंडिया एट द प्रेजेंट मोमेंट इज दैट इट शुड बी मेड अ नेशन। Everything which helps the growth of nationalism has to grow or has to go forward, and everything which throws obstacles in its way has to be rejected. We have applied this test to linguistic provinces also, and by this test, in our opinion, they cannot be supported. Now, the Kannada speakers, Malayalam speakers and Marathi speakers had all looked forward to having their own states. The strongest protest, however, came from Telugu-speaking districts of what was the Madras Presidency. When Nehru went to campaign there during the general elections of 1952, he was met with the black flags and the slogans demanding "We want Andhra." In October of that year, a veteran Gandhian named Pottisiramulu went on a hunger strike demanding the formation of Andhra state to protect the interests of the Telugu speakers. As the fuss went on, it attracted more support. Hartals and bans were observed in many towns. On 15th December 1952, 58 days into his fast, Pottisiramulu died. The news of the passing away of Siramulu engulfed entire Andhra in chaos. The protest was so widespread and intense that the central government was forced to give in to the demand. On 1st October 1953, the new state of Andhra came into being, subsequently became the Andhra Pradesh. Now, a state's reorganization commission was set up, which submitted its report in 1956.
the redrawing of district and provincial boundaries to form compact provinces of Assamese, Bengali, Oriya, Tamil, Malayalam, Kannada and Telugu speakers respectively. The large Hindi-speaking region of the North India was also to be broken up into several states. A little later, 1960, the bilingual state of Bombay was divided into separate states for Marathi and Gujarati. In 1966, the state of Punjab was also divided into Punjab and Haryana, the former of the Punjab speakers, who were mostly Sikhs, and the later for the rest, who spoke not Punjabi but versions of Haryanvi or Hindi. Alright. तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से इंडिया का जो डिवीजन शुरू हुआ इनटू स्टेट्स वो किस तरीके से हुआ। अब क्या वो सही था क्या वो गलत था ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इससे कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर बढ़े और बहुत सारी स्टेट्स भी बन गई। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस।